वाला बर्गर बनवाओगे? क्या नाम है इसका? 440 वोल्ट वाली। इसमें डालो वरना सुबह उठा नहीं जाएगा लोगों से। भैया ने निला दिया ऐसे क्रीम से, सजा नहीं, पूरा निलाया है क्रीम से। कम से कम आधे एक हाथ से ऊपर का है, मतलब एक हाथ। तो भाइयों आज हम आ चुके हैं दिलखुश बर्गर, और बहुत ही जाना माना बर्गर शॉप है। पहले भैया जी कार्ट पे लगाते थे, लेकिन भैया ने अब प्रमोशन लिया है और यहाँ पे शॉप ले रखी है। और एड्रेस बताते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहना। तो भैया जी के पास चलते हैं। तो भैया जी आज क्या बनवाने वाले हो आप हमें? कौन वाला बर्गर बनवाओगे? अच्छा टायर वाला बर्गर। इसमें क्या होगा? इसमें डबल लेयर बनेगा। अच्छा, और इसके अंदर फिलिंग क्या करोगे, अभी बताओगे या वीडियो में लोगों को पहले देखना पड़ेगा फिर पता चलेगा? वीडियो में देखेंगे तो पता चलेगा। अच्छा तभी पता चलेगा, पहले मतलब डिस्क्लोज नहीं करोगे? नहीं। चलो पहले ही बता देते हैं, लोकेशन क्या है ये बताओ पहले। 12 ब्लॉक गुरुद्वारा साथ में है, 11 ब्लॉक 11/37 ठीक है, नजदीक में सेठी जी सो रहा है। तो गाइस सेठी आइसक्रीम की जो वीडियो डाली थी ना वही देखो, और उन्हीं की जस्ट बिल्कुल बराबर में ही है, मुश्किल से 10 मीटर पे है भैया की शॉप। ठीक है भैया, टाइमिंग क्या है आपकी शॉप की ये बताइए? सुबह जाती है 11 बजे के बाद से किसी टाइम ऑर्डर दे, किसी भी टाइम। और रात तक का टाइम क्या है, शाम तक का टाइम? 11 बजे के बाद से मतलब रात को 10 बजे तक, 10 बजे तक आप लास्ट ऑर्डर कर सकते हैं भैया के पास। भैया प्राइस क्या है इस बर्गर का ये बताएंगे? आप टायर बर्गर नहीं करवाते, चीज बर्गर करवाते हैं। ठीक है, 60 रुपए के। ठीक है, और चीज करवाते हैं 40 रुपए। ठीक है, टायर बर्गर है ये 100 रुपए की है, ये 100 रुपए का है। और इसमें एक और चीज आप मेरे को बता रहे थे जो हमारी बात हो रही थी, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज है इसके अलग से पैसे है या नहीं है? मतलब लोगों को अगर बनवानी है वो तो ले सकते हैं खुद से, वरना ऐसे भी मिलेगा उन्हें, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना उन्हें, खाली चीज का एक्स्ट्रा प्राइस। बाकी जो एक स्पेशल चीज जो हम डलवाने आए हैं या डालते हो आप, उसका अलग से नहीं है। गाइस चलते हैं और देखते हैं, बनाएंगे भैया, हो जाइए भैया शुरू। तो भैया क्या बनवाने वाले हो ये बताओ आप? बर्गर। बर्गर कौन सा वाला बर्गर है ये? ये डबल बर्गर बना रहे हैं, डबल बर्गर के ऊपर बर्गर। अच्छा, और बर्गर में कुछ अनोखी चीज डालने वाले हो जो बहुत कम दिखती है, क्या डालने वाले हो? सस्पेंस है या नूडल है? अच्छा नूडल डालोगे, चलो देखते हैं कैसे बनाते हो। बनाना शुरू कर दो भैया। ये आ गए हैं 2 बर्गर के बन, और चले भैया जी शुरू हो जाइए। एक और ये आ गया हमारा दूसरा। बेट टिक्की आलू वाली है राइट? हाँ जी, देख रहे हैं आपके सामने तारा तारा बनते हैं। ये हमारा बन चुके हैं भैया। क्या क्या होता है इस बर्गर में ये बताओगे थोड़ा बहुत? ये देखिए आपके सामने बटर में सिकाई हो गई है। अच्छा, अमूल बटर है? हाँ, असली बटर। बटर में सिकाई, चलो भैया सिकाई हो गए। उसके बाद आपके देखिए टिक्की, सैलेड, मेयोनीज, क्रीम, सब कुछ। जैसे इसमें भी ऑप्शन है, जैसे आप नूडल नहीं खाते हैं ना जी, हाँ हाँ, विदाउट नूडल भी बनवा सकते हैं। अच्छा विदाउट नूडल भी मिलता है? हाँ, बाकी ठीक है। तो गाइस यहाँ पे विदाउट नूडल भी मिलता है। विदाउट नूडल वाले का प्राइस क्या है? उसका नूडल का कोई कॉमेंट्री है? अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री है वो, नूडल का कोई चार्ज ही नहीं है, आप खाना है तो जलवाई नहीं। अच्छा अच्छा, चलो ये भैया के यहाँ की सौगात है भैया, जो आएगा नूडल खाना चाहे खा ले। चलो भैया रख दो इनके ऊपर टिक्कियां। चलो तो ये हमारी शुरुआत हो गई है नूडल बर्गर की, पहला बन, और इसके ऊपर आ गई आलू टिक्की। ये भैया क्या डाला है? चाट मसाला आ गया। इसके बाद भैया का ये स्पेशल पेस्ट है जो भैया ने पिछली बार भी नहीं बताया था हमें। चलो सीक्रेट है भैया आपका है? ये नेक्स्ट आ गई हमारी धनिया पुदीने वाली चटनी। केचप आ गई जी। ये केचप है? अच्छा, सोमठ ही नहीं डालते, केचप डालते हो सीधे हैं? अच्छा, 440 स्पाइसी खाते हल्का स्पाइसी। अच्छा ये स्पाइसी सॉस है? क्या नाम है? तो ये हमारी शुरुआत हो गई है नूडल बर्गर की, पहला बन, और इसके ऊपर आ गई आलू टिक्की। ये भैया क्या डाला है? चाट मसाला आ गया। इसके बाद भैया का ये स्पेशल पेस्ट है जो भैया ने पिछली बार भी नहीं बताया था हमें। चलो सीक्रेट है भैया आपका है? ये नेक्स्ट आ गई हमारी धनिया पुदीने वाली चटनी। केचप आ गई जी। ये केचप है? अच्छा, सोमठ ही नहीं डालते, केचप डालते हो सीधे हैं? अच्छा, 440 स्पाइसी खाते हल्का स्पाइसी। अच्छा ये स्पाइसी सॉस है? क्या नाम है? 440 वोल्ट वाली। अब आते हैं भैया के यहाँ 440 वोल्ट वाली। इससे भी नहीं सफर है तो 520 बना देते हैं। अच्छा 520 भी है? क्या बात है, 520 डालना वरना सुबह उठा नहीं जाएगा लोगों से। हाँ जी भैया, अगले हमारे खीरे, और उसके बाद आ गए टमाटर। हाँ अगला आ गया ये अपना प्याज आ गई। एक बार फिर दोबारा से चाट मसाला भैया। ठीक है, फिर दोबारा से चटनी, और ये हमारी सॉस आ गई।
ओहो ये आया भैया के यहाँ का फेमस क्रीम डाल देते हैं। अगले आ गए हमारे नूडल्स, जिनका इंतजार हो रहा था, शो स्टॉपर। ये आ गए नूडल्स, अब इसके ऊपर लगाने जा रहे हैं चीज स्लाइस भैया, चीज बर्गर कह सकते हो एक तरीके से। और ये आ गई इसके ऊपर चीज स्लाइस, इस पर आ गई, इस पे आ जाएगा ये हमारा, ये बन गया हमारा पहला लेयर वाला बर्गर। ठीक है जी, जी भैया जी। और इसके ऊपर दोबारा से आ गए नमक, नमक नहीं चाट मसाला। और ये आ गई एक और आलू की टिक्की, ऐसी ही कर दो भैया, ये बढ़िया लग रहा है। और ये आ गई भैया की 440 वोल्ट वाली स्पेशल सॉस। ठीक है, 440 तो आप उसके बाद आएगा ना, इसके बाद आते हैं। हाँ बिल्कुल गाइस, ये है 440, गलत बोल दिया था मैंने, ये वाली 440 वाली चटनी नहीं। अब ये आ गया एक बार और सैलेड, ये आ गया टमाटर, ये ऑनियन आ गया जी, ये आ गया अनियन, ये आ गई इसके ऊपर दोबारा से चटनी सॉस। और ये है क्रीम, भैया क्रीम दिखा दो एक बार, पब्लिक को नाराजगी रहती है वरना, कौन सी क्रीम है। बाकी चटनी म्यूनिस आप खुल कर जितने खाएंगे, चौमिन वगैरह जितने भरवाना है उसमें कोई चार्जिंग नहीं। अच्छा अच्छा, चार्जिंग कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं है, कितना भी कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब क्या बात है गाइस, 100 रुपीज में अनलिमिटेड बर्गर है एक तरीके से, क्या बात है। चलो सीधे हाथ से रख देना भैया। अच्छा इसके ऊपर भी आएगी वाली भैया की सीक्रेट सॉस, क्या लगाया हमें भी नहीं पता, भैया ने पहले से बना रखी थी। और ये लगा दिया भैया ने इसके ऊपर बन, ये बन का कैप लग गया। और ये बन गया हमारा बर्गर टावर, या हम कह सकते हैं बर्गर टावर का, दिल खुश बर्गर टावर। और ये अमूल की क्रीम दिख रही होगी आपको, क्या बात है, सजा है भैया ने निला दिया है इसे क्रीम से, सजा नहीं पूरा निलाया है क्रीम से, भर भर के लगी हुई है, तो इधर ही ले लो, क्या बात है। बाहर हमारा तैयार होने के बाद भैया ने रख दिया इसे प्लेट में, क्या बात है भाई। लाओ भैया जी, पकड़ा दीजिए इसे जरा हमारे हाथ में, भैया भी थोड़े से घबरा रहे हैं, आप ऊपर से पकड़ लेना बस। हाँ गाइस देख सकते हो ये कितना बड़ा टावर है, कम से कम आधे एक हाथ से ऊपर का है, मतलब एक कितना होगा, बहुत ही बढ़िया।